हेलो फ्रेंड, हेलो महादेव, आज गैरेज में महिंद्रा जेस्टो स्कूटर आया मेरे पास। तो ये स्कूटर में करंट नहीं आ रहा, देखिए तो थोड़ा बैटरी डाउन है और किक मार रहा हूँ तो उसका करंट नहीं आ रहा है और थोड़ा सा बज रहा है। और इसमें बैटरी से कुछ संबंध नहीं है क्योंकि इसका जो कॉइल होता है एसी कॉइल होता है और सीडीआई जो होता है एसी है, तो बैटरी का कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसका चेक करेंगे जो नीचे से करंट आ रहा है कि नहीं। पहला ये बल्ब चलना चाहिए एसी करंट, उसके बाद जो स्टार्टिंग कॉइल जो स्टार्टिंग का जो करंट होता है वो भी चेक करेंगे। वो करंट ऐसा आपको बल्ब से नहीं मालूम पड़ेगा, और ये अगर यहीं से अपना अर्थिंग देंगे अभी इसका नीचे से जो करंट है वो सही से आ रहा है, बोले तो जो बल्ब जलाता है बैटरी चार्ज कराता है वो। अभी जो स्टार्टिंग करने के लिए जो करंट है वो चेक करेंगे और पिकअप कर का रीडिंग चेक करेंगे। पिकअप कर का रीडिंग कम से कम 120 का ऊपर रहना चाहिए। ये देखिए 121 ब्लूटूथ का पिकअप कर का रीडिंग भी सही है। ग्राउंड वहीं से ले लिया हमने। अभी तीसरी बार इसमें काला में रेड पट्टी है, इसमें करंट आना चाहिए। ये करंट आपको बल्ब का मदद से पता नहीं चलेगा, बल्ब नहीं जलेगा करंट में, तो ये भी सही है। तो नीचे से करंट कोयल उसका सही है, कुछ हुआ नहीं है। अब इसका सीडीआई तब इसका इनपुट मिल रहा है कि नहीं ये चेक करेंगे। और इसका जो सीडीआई होता है एसी वाला सीडीआई है, इसमें बहुत सा वायर है। इसका वायर का जानकारी मैं दूसरा गाड़ी में दे दूँगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करें। और इसमें पहला चेक करेंगे इसमें करंट आ रहा है कि नहीं इनपुट करंट। जब तक सीडीआई को एसी करंट नहीं मिलेगा तब तक गाड़ी जो उसका एचटी कॉइल को करंट नहीं भेजेगा, गाड़ी चालू नहीं होएगा। यहाँ पे इनपुट करंट मिल रहा है। अभी दूसरे साथ उसका बॉडी ग्राउंड चेक करेंगे और उसका पिकअप कॉइल का रीडिंग चेक करेंगे वहीं से। अगर इसका सीडीआई अगर ख़राब भी रहेगा तो सीडीआई मार्केट में नहीं मिलेगा, तो इसको मैं जुगाड़ करूँगा। अगर सही है कि नहीं आपको मैं दिखाऊंगा। अगर ये सही रहेगा तो चालू हो जाएगा। ये भी रीडिंग सही आ रहा है। वायर कटर में अभी ये जो देखिए ब्लैक में वाइट पट्टी है, ये वायर मैंने कट कर दिया क्योंकि ये वाला वायर अगर बड़ी अर्थिंग लेगा और गाड़ी किसी भी हालत में गाड़ी करंट नहीं आएगा। देखिए चट चट कर करंट आ रहा है, उसके बोले तो वो वायर कहीं से बड़ी अर्थिंग ले रहा है, इसी के वजह से गाड़ी में करंट नहीं आ रहा है। अभी गाड़ी चालू हो जाएगा लेकिन गाड़ी बंद नहीं होगा क्योंकि वहीं से मैं वायर कट कर दिया होगा। और अभी गाड़ी चालू करेंगे, अभी पहला उसके बाद अभी वो वायर कहाँ से कट है उसको ढूंढेंगे। ढूंढने के बाद में उसको जॉइंट करेंगे, उसके बाद गाड़ी ऑफ होएगा। नहीं तो गाड़ी चालू होगा लेकिन गाड़ी ऑफ नहीं होएगा। अभी इसका वायर भी मैंने जॉइंट कर दिया, गाड़ी अब ऑन ऑफ भी हो रहा है, गाड़ी सही से चार्ज भी हो रहा है। और ये था एक जानकारी छोटा सा। वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब होने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको पहला पहुँच जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और कमेंट करें।